हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट ब्रेड चमचम की रेसिपी। बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट में मज़ेदार सी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमें इस डेज़र्ट के लिए चाशनी बनाकर तैयार करनी है। चाशनी बनाने के लिए हमने 4 टेबलस्पून चीनी ली है। 4 टेबलस्पून चीनी के लिए हम इसमें 6 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस चाशनी को पकने देंगे। चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें चीनी अच्छी तरह घुल ना जाए। तो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से घुल चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई इलायची। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस डेज़र्ट की रेसिपी बहुत ही आसान है। अक्सर जब गुलाब जामुन और रसगुल्ले की चाशनी बच जाती है तो उसी चाशनी में आप थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ब्रेड चमचम के लिए हमने ब्रेड की 8 स्लाइसेस ली है। अब किसी कटोरी से इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से प्रेस करते हुए राउंड शेप में कट करेंगे। इसी तरह बाकी की ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लेंगे। चमचम के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे तो हमने 4 टेबलस्पून मलाई ली है। देखिए, आप यहाँ पर मलाई की जगह मावा यानी कि खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसे मलाई के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस स्टफिंग में आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बादाम, पिस्ते और काजू को दरदरा सा पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने चीनी को मलाई के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इस स्टफिंग को ब्रेड की स्लाइस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के बग़ैर भी ये डेज़र्ट बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए, इस पर हमने अच्छे से स्टफिंग अप्लाई कर ली है। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइस से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमने ब्रेड की सारी स्लाइसेस पर स्टफिंग को अच्छे से अप्लाई कर लिया और उसे दूसरी स्लाइस से कवर कर लिया। अब हम इसे चाशनी में डीप करेंगे। देखिए, चाशनी में डीप करने से पहले आप चाशनी को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चाशनी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चाशनी को स्किप करके रूह अफ़ज़ा या तो फिर किसी भी रोज़ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह सारी चमचम को चाशनी में अच्छे से डीप करेंगे और ज़्यादा की चाशनी हम इसी में झाड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे खोपरा खमन के नाम से भी जाना जाता है। सारी चमचम को चाशनी में डीप करने के बाद हम इस पर नारियल का बुरादा अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया डेज़र्ट बनकर तैयार हुई है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इसे देखकर कोई कह सकता है कि इसे हमने ब्रेड से बनाया है। इसकी रेसिपी जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी डेज़र्ट बनकर तैयार होती है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है इंस्टेंट ब्रेड चमचम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।